वो जो बाबू भैया करते ना यार बड़ी हैरानी की बात है तो फनी तो आ गया यू गुड फनी वीडियो चाहिए नहीं तो मत लो देंगे देंगे एसी में चलते हैं एसी में चलते हैं मैं एसी चालू कर दूं पूछ ले एक बार लेकिन देखकर अच्छा लगा कि आप एकदम सही हैं माशाल्लाह से खुश भी कितने लग रहे हैं हाँ पहले स्वागत है खुशबू जी और आपको दोनों को स्वागत है टीवी से बॉलीवुड में जिस तरह आँख आपके खूबसूरत है उसी तरह आपके बाल खूबसूरत है जो भी हो मैं ये पूछना चाहता है ये फातिमा जो करेक्टर है आपका आज क्या सीन चल रहा था क्या है जो आपको नमक पे मतलब जले हुए पे नमक डाल रहे थे आपको अभी हाँ जैसे कि मुझे वो भूल जब से उन्हें मर्जीना स्लैश मोहन तो वो मुझे भूल गए जब मैं उनको देखने आती हूँ तो मुझे वो नहीं मिलता और फिर अब मिलते हैं मर्जीना का हाथ पकड़ बहुत जल्दी से फील होती है और ऐसा लगता है कि क्या हो रही है मतलब तो इसलिए मैं उनको थोड़ा बहुत सुना देती हूँ और चली जाती हूँ लेकिन आपको दिल में जलन नहीं होता लड़के का जाती है कुत्ते होता है जहाँ लड़कियाँ देखा है वहाँ पर लाल टपकाने लग जाता है अब वही लड़की लड़की पे है मुझे तो नहीं होता क्योंकि मुझे काफ़ी प्यार है खुद से लड़की आपसे प्यार करे उससे अच्छा आप खुद से प्यार करो ये आपका सही है रेल मुझे अच्छा लगा ये पंच आपका पंच नहीं मतलब रेल बोलो खुद से प्यार करो नहीं नहीं मेरा आई बिलीव इन इट ये कहीं से पढ़ के नहीं नहीं अच्छा लगा ये नहीं चाहिए खास हर सोच आप जैसे लड़की की मतलब जैसे हर में होना चाहिए तो जो हो रहा है देश में हर रोज सुसाइड हो रहा है हर रोज ये हो रहा है प्यार वो होना बंद हो रियल लाइफ में बता रहा हूँ किसी पीछे कोई पागल कुछ मर्डर हो जाता है अपने कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे बिल्कुल अपने से प्यार करो बेस्ट है मम्मी पापा से प्यार करो मम्मी पापा से पहले प्यार करो फिर अपने से प्यार करो अच्छा ये बता रियल लाइफ में प्यार किससे करते कोई प्यार मिला मंजिल मिला कोई सपनों का सौदा हमेशा से मैं तो 8 साल से ये आप जेन्युइन भरोसा किस पे करते हो मतलब रेल मैरिज पे या तो लव मैरिज पे मैं मैरिज पे भरोसा करती हूँ लव अरेंज डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जिसको प्यार अरेंज में मिल जाए जिसको प्यार लव में मिल जाए अपना अपना है मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते एक दूसरे को तो अरेंज मैरिज है और मेरे बॉय मैं मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ हम लव मैरिज छोड़ने सकते हैं देखा जाए लव मैरिज में स्टार्टिंग में अच्छा लव परिवार चलते हैं 5-6 साल और उसके बाद ना खट्टा मीठा नोक झोंक शुरू हो जाता है अरेंज मैरिज से ये होता है कि जिंदगी भर के प्यार तो आपको क्या करना है आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें कितना अरेंज मैरिज है लव मैरिज लव में अरेंज में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है लेकिन आप किसको भरोसा करते हैं मेरे तो पेरेंट्स की अरेंज मैरिज है काफ़ी अच्छी चल रही है हम लोग इससे बड़े हो गए अब लव मैरिज भी जिनकी होती है ऐसे मेरी बहन और मेरे जीजू की लव मैरिज है तो उनकी भी काफ़ी अच्छी चल रही है आई थिंक इट टोटली डिपेंड ऑन टू पीपल्स इक्वेशन विद ईच 100 में से 10% सक्सेस दिखता है 100 में से 10% लव मैरिज सक्सेस दिखता है मुझे मेरे ख्याल से क्या होता है जब आप किसी को अरेंज मैरिज के थ्रू मिलते हो आप एक दूसरे को इज्जत ज़्यादा करते हो प्यार रहता है ऑफकोर्स वो बनता है धीरे धीरे पर अरेंज मैरिज में आप पहले इज्जत करते हो धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हो लव में आप पहले लव करते हो और इज्जत कभी कभी रास्ते में भूल जाती है तो जब आप वो छोड़ देते हो सिर्फ प्यार में आपको लगता है इसको मैं कुछ भी बोल सकती हूँ क्योंकि ये तो मेरा है और वो कुछ भी के बाद आप लिमिट्स क्रॉस कर देते हो फिर आपकी लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं और अपनी लिमिट्स अपने दायरे में रह के अगर एक दूसरे को प्यार किया जाए चाहे वो लव में हो चाहे अरेंज में हो तो नहीं टूटता बाकी लड़कियों को मैसेज देना चाहोगे आपकी जो मम्मी पापा जो कहे बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है कभी गलत नहीं सोचता है जो भाग जाते घर से लड़के वो चक्कर में माँ बाप बचपन से पालते हैं अचानक उसके बारे में मैं दोनों को कहूँगी आई थिंक ये सिर्फ बच्चे का गलती नहीं होता और ना ही माँ बाप का गलती होता पहले तो माँ बाप को छोड़ना बहुत गलत चीज़ है चाहे आप उनसे रह के समझा रहे हैं और माँ बाप को भी थोड़ा सा ईजी मुझे ये नहीं ये कर तो दोनों तरफ से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आई थिंक अभी क्या है क्योंकि इतना ऑप्शन हो गए दुनिया में इतनी चीज़ें हो गई
पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते कि कैसे कोप अप करें और बच्चे भी पेरेंट्स को नहीं समझा पाते कि देखो ऐसा है वो ऐसा है। आई थिंक दोनों तरफ से कोशिश होगी तो वो होना नहीं चाहिए क्योंकि पेरेंट्स पेरेंट्स है एट दी एंड उन्हीं ने इस दुनिया में दिया है आपको तो। एक लाइक डायलॉग आप इतने खूबसूरत है आपको देख कर कितने लोग मतलब प्रपोज किए हैं कितने लोग पागल हो गए कभी किसी ने सामने प्रपोज किया है सामने से आकर प्रपोज किया है नंबर यानी आप क्या बोलना चाहते हैं आपको किसी लड़की आप भी स्मार्ट हो आप किसी लड़की ने सामने से प्रपोज किया आपको मैं भी खूबसूरत हूं बहुत ब्यूटीफुल है ठीक है मैं ही नहीं मैं कर अगर मैं सिंगल होती तो मैं इसको प्रपोज कर देती देखो सामने से इनका बड़प्पन चलिए टेक होने वाला है मैं चाहता हूँ साथ में आप लोग म्यूजिक एल्बम करना चाहते हो म्यूजिक एल्बम साथ में कुछ भी कर सकते हैं नॉट ओनली कॉर्डियल एक्टर्स प्रोफेशनली बट ऑल्सो वी आर वेरी 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 क्लोज थैंक यू।